व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई। वीडियो क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहता हूँ बिकॉज यहाँ पर थोड़े ऐसे सरकमस्टेंसेस से। खैर, लेकिन यहाँ पर बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही है कि वन प्लस वाई वन एस टी वी में कैसे हम लोग मीरा कास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई, नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाओगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा मीरा कास्ट, ठीक है। और मीरा कास्ट को यूज़ करने के लिए आपको स्मार्टफोन में कोई भी मोबाइल डेटा यानी कि नेटवर्क ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना मोबाइल डेटा ऑन किए अपना फ़ोन में मीरा कास्ट यूज़ कर सकते हो। बस आपको वाईफाई ऑन कर देना है और कुछ इस तरीके से स्क्रीन कास्ट ऑन करोगे तो भाई ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा वन प्लस टी वी वाई वन एस, इस पर क्लिक कर दोगे कुछ सेकंड्स तक भाई ये, और देखो इस तरह से आपका डिस्प्ले टी वी पर शो होने लगेगा। कोई भी मोबाइल डेटा ऑन नहीं रहेगा, बस आपका सिर्फ वाईफाई लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन होता है। ब्लूटूथ ऑफ भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, लोकेशन भी बाद में ऑफ कर दो, सिर्फ आपका वाईफाई ऑन रहेगा। इससे आपका होगा स्क्रीन कास्ट बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको स्मार्टफोन को टीवी के पास रखना है, जितना हो सके उतना पास रखो। ये ज़्यादातर दोस्तों आप काम आएगा आपको या यूट्यूब में कोई मूवीज़ वगैरह आपने डाउनलोड किए होंगे तो देखोगे मज़ा आएगा, या फिर कोई मूवी आपने यहाँ वहाँ से दोस्तों से ली होगी तो उसको आप आराम से भाई मीरा कास्ट में देख पाओगे। कोई इंटरनेट की खर्च नहीं होगी भाई। गेमिंग वगैरह भी कास्टिंग करना है तो बहुत अच्छा है, या फिर एडिटिंग कर रहे हो स्मार्टफोन में तो भाई उसको भी कास्टिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स में काम आएगा, बट इतना तो श्योर है कि भाई वन प्लस का टीवी में मीरा कास्ट सपोर्ट करता है। और इसमें सच बताऊँ ना तो मुझे क्रोम कास्ट पसंद नहीं है, मुझे मीरा कास्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।